सो हे गाइस, जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइस, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। इस वीडियो की एडिटिंग आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से लेकर के आ गया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आप बिल्कुल इजी मेथड से वो रील एडिट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो, बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली रील्स की एडिटिंग लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर लेना। आज हम कोई भी VPN कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा इफेक्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट VPN के हम एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फोटोज़ पर जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने कुछ फोटोज़ ऐड कर लेने हैं। सो मैं यहाँ पर अपने 2 फोटोज़ ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने 2 फोटोज़ को ऐड कर लिया है। देन इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो में आएंगे। ये देखिए गाइज, रेशियो पर क्लिक करने के बाद सिंपली 9:16 पर क्लिक कर देना है। दोनों फोटो गाइज हमें जो है गाइज इतना जूम कर लेना है, मतलब ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक है वो ढक जाए। ओके, सो मैं इस फोटो को भी थोड़ा इतना जूम कर लेता हूँ। लास्ट में इस ऐप का छोटा सा वाटर मार्क आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट फोटो पर आना है, इसकी ड्यूरेशन कर देनी है गाइज इतनी, पहले बढ़ा लेनी है फर्स्ट फोटो की ड्यूरेशन। स्टार्टिंग में आना है, 2 फिंगर की मदद से इसको जूम करना है गाइज। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और अगर गाइज आप कैपकट ऐप को आईफोन के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने आपको बताऊंगा कि कहाँ पर दिया वीडियो के एंड में। सो वेट कर लेना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले गाइज आपको अपने फर्स्ट वाले फोटो की लेयर को 2 फिंगर की वजह से इतना जूम करना है। जूम करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर देना है, देखिए आप अभी 0 पर हो, 0 के बाद जो यहाँ पर 14 आएगा, देखिए 12 और 14, 14F पर रोकना है, फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्प्लिट कर देना है। ऐसे ही आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है, अब जाना है 2 सेकंड पर। तो ये देखिए 1 सेकंड ये आ चुका है, देन अब जाएंगे हम 2 सेकंड पर। सो यहाँ पर देखिए 2 सेकंड गाइस ये आ गया है, ठीक है 2 सेकंड आ गया। देन उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो 15F, तो देखिए 8F, 10F, 12F, 14F, देन 14F के बाद जो पॉइंट आता है ये है 15F। तो ठीक है, इसके सामने रोकना है, फोटो पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। अब आपको फर्स्ट वाले फोटो में काफ़ी सारे कट लगाने हैं, स्प्लिट लगानी है, तो वो कहाँ लगानी है इस फर्स्ट फोटो के अंदर ये मैं आपको सब बताऊंगा। बट गाइज ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, अब अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, आपको इसी फॉर्मेट के थ्रू फर्स्ट फोटो में इतने स्प्लिट लगाने हैं, सेकेंड फोटो में कितने स्प्लिट लगाने हैं। अभी यहाँ पर ये ब्लर हो रहा है, बट ये वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप कैसे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक से देख भी सकते हैं विदाउट ब्लर। ओके, सो मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट कट कर रखा है, मैं उसको ओपन कर लेता हूं। सो मैंने यहां पर अपना एक ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसमें कि गाइस कोई भी यहां पर इफेक्ट नहीं है, ओनली मैंने बस कट कर रखा है। ओके, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ठीक है। सो मैंने यहां पर ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, इतने कट लगाने हैं, ज्यादा कट भी आपको नहीं लगाने। स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट वाला जो माइनस देख रहे हैं इस पर लगाना है, लाइट इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से ब्लांच लगा लेते हैं, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गए जैसे यहाँ सेकंड फोटो आता है ना, इस फोटो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, इतनी स्टार्टिंग में। और आने के बाद सिंपली गाइज ये जो माइनस प्लस देख रहे हैं आप, प्लस, इस प्लस पर क्लिक करना है, देन गाइज इसको यहाँ पर लास्ट में आना है, लास्ट के फोटो में, और यहाँ पर अपने फोटो को बस जूम कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस जूम करना है। ओके, जूम करने के बाद गाइज अब आना अपने थर्ड फोटो पर, थर्ड पार्ट पर। अब उसके बाद गाइज इस पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा रोक हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और रोक हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही गाइज इसके बाद नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर और रोक हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करना है। ओके, देन गाइज जैसे ही हमारा फोटो यहाँ पर ये चेंज हो गया, ये देखिए चेंज हो गया, देन जो जैसे ही हमारा फोटो चेंज होता है तो उस वाले फोटो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आएगा रोक वर्टिकली, इस पर क्लिक करना है। इसको हम कर लेते हैं 1 सेकेंड, ओके पूरा, ओके 1 सेकेंड, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज ये जो आप माइनस का साइन देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको थोड़ा छोटा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइज जो आप बीच में माइनस का साइन देख रहे हैं, इस माइनस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली ब्लैक वीडियो, ब्लैक फीड पर लगा देना है। ओके, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। अब गाइज की जो आपको एक फोटो ये, इस फोटो पहले यहाँ पर आपको अब पहले वाले फोटो पर क्लिक करना है, इसके स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद सिंपली इस प्लस वाले फ्रेम पर क्लिक कर देना है, सेम वही करना है, देन लास्ट में आके इस फोटो के और यहाँ पर बस इसको थोड़ा जूम कर देना इतना। ओके, जूम करने के बाद ऐसी अब आपको सेकेंड फोटो पर आ जाना है, फोटो पर क्लिक करना है, पहले गाइज इसमें यहाँ पर प्लस लगा लेना है और इसको पहले ही हमको अब
जूम कर लेना, पहले ही जूम करना है। ओके, जूम करने के बाद गाइस इसको मैं इतना जूम कर लेता हूँ, लास्ट में जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर बस इसको जितना था मैं इतना फोटो अपना कर देना है जितना हमारा था। ओके, ये देखिए हो गया। सो हमारी जो वीडियो की एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। बट गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइज मैं एक वीडियो की जो है ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ। जैसे गाइज वो वीडियो हमारी एक ये है, ठीक है। सो हमारी ऑडियो भी ऐड हो चुकी है। अब जितनी बड़ी हमारी ऑडियो है इतनी बड़ी हम अपनी फोटो की लेयर को कर लेते हैं। सो अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आपने देखा प्रोफेशनल रील एडिट हो चुकी है। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सारा मटेरियल मतलब कि कैपकट ऐप कैसे डाउनलोड करना है आईफोन में, और ये ऑडियो कैसे डाउनलोड करनी है। तो गाइस किसी भी वीडियो का मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली उसके टाइटल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करना है, पहले इसको पढ़ लेना है। देन गाइस यहाँ पर ये लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको यहाँ पर मिलेगा टेक्निकल आशू, इस टेक्निकल आशू लिंक पर क्लिक करना है वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको इसका थंबनेल मिल जाता है तो इसके थंबनेल पर क्लिक कर देना है, नहीं तो ऊपर सर्च कर लेना है जो टाइटल जिस टाइटल ये वीडियो का होता है वो टाइटल आपको देख लेना है, और यहाँ पर वेबसाइट पर आकर आपको वो टाइटल टाइप कर देना है। सबसे ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा, आपको उसके थंबनेल पर क्लिक करना है जिसका भी डाउनलोड करना है मटेरियल। और यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे लास्ट में आपको मटेरियल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और ऊपर आपको स्प्लिट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ओके।